जिंदगी में कुछ हट कर और बेहतर करना हर किसी का सपना होता है। वैसे तो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस बात को सच करके दिखाया है एमपी के एक गांव के रहने वाले प्रफुल्ल ने। प्रफुल्ल का चाय बेचने का बिजनेस है और आज वो इतने सफल हैं कि उनके बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों रुपए के आंकड़े को छू गया है। आज हम प्रफुल्ल बिल्लौर, जिनको सभी लोग एमबीए चाय वाला के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। प्रफुल्ल ने कैट की परीक्षा से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रिजल्ट अच्छा ना मिलने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और चाय बेचना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल चंद्र जब अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद वो चाय बेचने लगे और बाद में उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद की अपनी चाय की दुकान खोलेंगे। भारत में चाय एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को जोड़ती है। प्रफुल्ल ने चाय के ठेले के साथ शुरुआत करने की सोची। उन्हें पता था कोई आसानी से नहीं मानेगा। माँ की मदद से किसी तरह उन्हें चाय का ठेला लगाने के लिए पिताजी से 8,000 रुपए की पूंजी मिली। पहला ठेला अहमदाबाद में उन्होंने सड़क के किनारे लगा दिया। उस वक्त 20 साल के प्रफुल्ल को पता नहीं था कि ठेला लगाना और चाय बेचना इतना आसान नहीं होगा। चिलचिलाती गर्मी में मच्छरों के बीच प्रफुल्ल सड़क के किनारे अपने चाय के ठेले पर ग्राहकों का इंतजार करते थे। प्रफुल्ल समझ गए थे कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। एमबीए की तैयारी के दौरान जो कुछ भी नॉलेज उन्हें मिली, उन्होंने अब उसका इस्तेमाल अपने चाय के ठेले पर लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी बोलकर चाय बेचना हो या लोगों को इम्प्रेस करने वाले ऑफर्स हो, प्रफुल्ल के आइडिया और बाकियों से अलग उनका अंदाज लोगों को लुभाने लगा। अपने चाय के धंधे के पहले दिन वो सिर्फ एक चाय बेच पाए, लेकिन वो निराश नहीं हुए बल्कि लगातार कोशिश करते गए और समय के साथ साथ उनकी चाय की दुकान काफी अच्छी चलने लगी। जब प्रफुल्ल ने अपना एमबीए छोड़ा और अपने इस आइडिया के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि उनके दोस्त भी उनका मजाक बनाया करते थे। बाद में उन्होंने अपनी दुकान पर ओपन माइक सेशन और बुक ड्राइव का आयोजन शुरू किया। वैलेंटाइन डे पर उनकी सिंगल के लिए फ्री टी वायरल हो गई और वहाँ आसपास सभी सिंगल्स उनकी दुकान पर गए। उसी दिन से प्रफुल्ल की चाय सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो गई और वो काफी फेमस हो गए। 2 साल के बाद चाय के बिजनेस में कामयाबी मिलने के बाद प्रफुल्ल ने अपना खुद का कैफे खोला, जिसकी आज पूरे भारत में फ्रेंचाइजी है। प्रफुल्ल को IIM द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के वक्त में डिग्री से ज्यादा ज्ञान मायने रखता है। आगे उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूं और मैं जो भी काम करता हूं उसके प्रति प्रेम रखता हूं। एमबीए चाय वाला नाम मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद के शॉर्ट फॉर्म से तैयार किया गया, लेकिन ज्यादातर लोग इसे उनकी एमबीए की पढ़ाई से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने TEDx, MTI गुरुग्राम और जोश टॉक्स में अपने जीवन की सफलता के बारे में बताकर लोगों को प्रेरित किया। जनवरी 2020 में एमबीए चाय वाला को दिल्ली सरकार के आधिकारिक चाय कार्यक्रम के लिए कई सारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ब्लॉग और न्यूज चैनल्स ने कवर किया। प्रफुल्ल ने दिन रात मेहनत करके 3 से 4 साल के अंदर ही 8,000 की इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल दिया। तो ये थी कुछ अलग और हटकर सोच रखने वाले प्रफुल्ल की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।